हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आई रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में क्या क्या होने वाला है अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे आपके रिश्ते में आपके आपके हस्बैंड के आपके वाइफ के आपके फोनसे के आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर क्रश के लाइफ में राइट तो ये रीडिंग है अगले चौबीस घंटे नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स इन योर लव लाइफ राइट टू इज इज़ डे एंड इज वैलेंटाइंस डे तो देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे में आपकी लाइफ में क्या हो सकते हैं चेंजेस एंड क्या एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर ओम साई राम मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन टोरिस वर्गो कैप्रिकॉन थ्री ट्वेंटी वन ट्वेल्व नाइनटीन ट्वेंटी एट इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए हो सकती हैं टोरिस वर्गो कैप्रिकोन आप या आपके पर्सन मून वीनस राइजिंग में हो सकते हैं एंड आप लोगों की लव लाइफ में रिलेशनशिप में डामली चल रही है बारि चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका फाइनेंस इनका कैरियर या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिन पर इन्हें बहुत भरोसा है आपके पर्सन को उस पर्सन ने आपके लाइफ में कोहराम बना मचा के रखा है दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखी है कि चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कैरियर या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जहाँ पर ये पर्सन बहुत जिस पर ये पर्सन बहुत विश्वास करते हैं वर्गो वेरी प्रोमिनेंट हेयर एंड नाइन एटीन वेरी प्रोमिनेंट हेयर ट्वेंटी सेवन इज वेरी प्रोमिनंट हेयर तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्स का आपके होरोस्कोप में कुंडले में कुछ इशू हो सकता है जुपिटर का कुछ इशू हो सकता है ठीक है वीक हो सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा या फिर कोई दोष एंड हरमिट इज एम्प्लाइंग की सैडनेस बहुत है आप लोगों के रिश्ते में करेंटली आप लोग काफ़ी सैड फील कर रहे हैं अलोन फील कर रहे हैं क्योंकि ये मैं आप लोगों के रिश्ते की रीडिंग निकाल रही हूँ तो दोनों तरफ से म्यूचुअल रीडिंग है ये सैड है डिसअपॉइंटेड हैं अलॉन है, है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं कोडिपेंडेंसी अभी भी काफ़ी है एंड uh, बहुत निराश है करें तो क्या करें तन्हाई अकेलापन खाए जा रहा है डे बाय डे कैसे इस अकेलेपन को दूर करें कैसे इस रिश्ते में रीयूनियन रिकनसिलेशन मैरिज एंगेजमेंट नेक्स्ट स्टेप ले करके आए वन मोर कार्ड फॉर यू ओम साई राम अगेन द कार्ड ऑफ बर्डन द कार्ड ऑफ स्ट्रेस द कार्ड ऑफ एन एग्जाइटी द कार्ड ऑफ की एक पर्सन पूरा बर्डन से भरा पड़ा है सारी जिम्मेदारी सारा बोझ इस रिश्ते का उसी पर आया पड़ा है और ऐसा नहीं है कि वो बोझ सिर्फ सिंगल पर्सन पर है दूसरे पर्सन पर भी है क्योंकि तो ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं लेकिन वो दूसरे पर्सन में किसी अलग फॉर्म में हो सकता है इट लियो सैज टेन नाइनटीन ट्वेंटी एट इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए वन आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है एंड uh, तीनों कार्ड्स की कंबाइंड रीडिंग करूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बारि इम्पैक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली मेम्बर या फिर कैरियर दिखाई देता है थर्ड पार्टी सिचुएशन मून इफेक्ट मार्स इफेक्ट मून इफेक्ट जुपिटर इफेक्ट भी है आप लोगों की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा और बहुत ओवर बर्डन हैं ओवर स्ट्रेस हैं एंगजाइटी एलॉन सैड इवन दो बहुत स्पिरिचुअल भी हैं आप और आपके पर्सन इतनी खराब पोजीशन में भी जब शांति बनाए रखे रह सकते हैं तो क्या बात क्या बात क्या बात सच में आप बहुत शांति बनाए रखने की ऐसी कंडीशन में भी कोशिश करते हैं स्पिरिचुअली आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकन हैं मेच्योर आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स से तो डेफिनेटली आप लोग मेच्योर हैं उससे अंडर एज की रीडिंग ये मुझे नहीं लग रही है अगर कोई है भी तो एक्सेप्शनल केस हो सकता है लेकिन स्टिल जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं बता रही हूँ वन मोर कार्ड एक्शन एंड ये भी म्यूचुअल एनर्जी के लिए है जैमना लिब्रा एक्वेरियस भी यहाँ पे आ गया है अब आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इतना थक चुके हो इतना बोर हो चुके हो इतना उग चुके हो इतना एलोन हो इतना सैड हो डिसअपॉइंटेड हो इतना कोडिपेंडेंट हो, हो अपनी लाइफ से इतना परेशान हो चुके हो कि अब आपको लगने लगा है कि कुछ स्पीडली आपकी तरफ आए दैट मीन्स जिस एक्शन का वेट कर रहे हो सम टाइम आप लोगों को लगता है कि बहुत इंतजार कर लिया एंड यू गाइज आर बिलीविंग इन मेराकल्स जस्ट लाइक मेराकल कुछ ऐसा हो जाए कि आँख खुले और सुबह सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए वो एक्शन ऐसे स्पीड में आए कि जैसे कोई हवा का झोंका समाइम आप लोगों की ऐसी डिज़ायर जरूर होती होगी आपके आपके पर्सन से अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बन बट देन आफ्टर सम टाइम आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हो समझने लगते हो वेल well, मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने लगते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ने लगते हो छोड़ तो आप नहीं पा रहे हो आप अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हो तब भी नहीं छोड़ पा रहे हो बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत लव करते हो और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन भी आपको बहुत लव करते हैं तो आप लोग वेट कर रहे हो राइट टाइम का जब थर्ड पार्टी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए एंड इस रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ पाए तो ये था आपके रिश्ते के बारे में जो भी मुझे दिखाई दिया एंड हर्मिट इज़ अगेन एम्प्लाइंग कि आप लोग साथ में तो एटलीस्ट नहीं रह रहे हो Uh, या तो आप मैरिज का वेट कर रहे हो या प्री कंसिलेशन का वेट कर रहे हो या आप एंगेजमेंट का या फिर आप अभी तक इस पर्सन से बिले ही नहीं हो जस्ट ऑनलाइन बातें चलती जा रही हैं राइट सिंगल हुड इज़ है सिंगल हुड है यहाँ पर सिंगल हो रिलेशनशिप में आकर भी आप लोग सिंगल हो तो uh, कुछ लोगों की तो मैरिज भी डेफिनेटली यहाँ पर रुकी है थ्री ऑफ पेंटिकल है जुपिटर वीक की वजह से एंड कुछ लोग आफ्टर मैरिज सेपरेटेड हैं एंड देन एलोन 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 जिंदगी जीते जा रहे हैं वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का झगड़ों को निपटाने का तो देखते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या चेंजेस पॉजिटिव हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की लाइफ में ओम साई राम नेक्स्ट ट्वेंटी फ़ोर आवर्स में सारे कार्ड्स के कंपेरेटिवली कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आया है क्वीन ऑफ़ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ एम्प्लाइंग कि नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो कोई प्रपोजल कोई कॉल कोई टेक्स कोई मैसेज कोई नया ऑफ़र और जैसे कि आज किस डे है तो अगर टमोरो वैलेंटाइंस डे है और आज आप आज ही वीडियो देख रहे हैं जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपको कन्फेस करें आपको प्रपोज करें आपको डेट करें ठीक है आपको रिकनसाइल करें क्योंकि मौका भी है दस्तूर भी है रेस जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं टाइमलेस है डेफिनेटली नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में कोई गुड न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिल सकती है कोई एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और ये उन लोगों के लिए है जो वेट कर रहे हैं सिर्फ इस एक्शन का रेस्ट वो लोग फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली सब सारी चीज़ों से स्टेबल हैं लेकिन बस वेट कर रहे हैं एक एक्शन का उनके लिए नहीं है जो कैरियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं वेल्थ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी एक्शन का वो एक्शन अभी डिले हो सकता है राइट वन मोर कार्ड फॉर यू ओम साई राम वाओ 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 द एम्प्रेस द एम्प्रेस इज सुपर डुपर चेंज सुपर डुपर चेंज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद द एम्प्रेस है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैरिज का प्रपोजल आने वाला है रिकनसिलेशन का प्रपोजल आने वाला है री का प्रपोजल आने वाला है एंड ये आपका डेस्टाइन पर्सन है डेफिनेटली आप इनके साथ लाइफ आगे गुजारोगे आपके मैरिज uh, होगी भविष्य में बच्चे होंगे एंड मैरिज के बाद देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी लेडी है जिसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट द प्रपोजल जिसका वो वेट कर रही है और वहीं एम्परेस एक ऐसी लेडी है जिसके पास वो प्रपोजल भी है और उस प्रपोजल की निशानी एक बेबी भी है तो आप डे बाय डे मच्योर एनर्जी में जा रहे हो राइट सो नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में कोई गुड न्यूज़ कोई सेलिब्रेशन uh, मुलाकात टेक्स्ट मैसेज कॉल या फिर कोई मैरिज एंगेजमेंट की प्लानिंग गेट टुगेदर काफ़ी एम्परे की कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आप लोगों के रिश्ते में आ सकती है और वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ही दिख रही है. 24 में आपको जस्टिस मिल रहा है जस्टिस इज अगेन द कार्ड ऑफ लिब्रा कार्ड ऑफ मैरिज कार्ड ऑफ लीगल प्रोपोजल लीगल कमिटमेंट रिकन्सी तो नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में रिकनसीलेशन लीगल कंफर्मेशन लीगल uh, लीगल uh, क्योंकि मैरिज भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है चाहे वो लीगल वे से हो या फिर uh, मंदिर में हो जैसे भी हो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पर्सन बिटवीन टू फैमिलीज़ तो मैरिज रिकन्सलेशन एंड बहुत लोगों के लिए उनका लव लवर उनको लव कन्फेस करने वाले हैं एक्सप्रेस करने वाले हैं मैरिज का प्रपोजल सेंड करने वाले हैं और मैरिज की डेट फिक्स करने वाले हैं नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स मुझे आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है और जो कि मारिज के बिहाफ पर है एंड नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल तो नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में मुझे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा दिख रही है कि अगर ये पर्सन अभी तक आपको इतनी वैल्यू नहीं कर रहे थे और इनका अटेंशन था इनकी फैमिली या फिर इनका अटेंशन था कैरियर तो ये पर्सन अब इक्वल गिवेंट टेक करेंगे बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है जस्टिस के साथ ठीक है अब आपको इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा जस्टिस की शुरुआत हो जाएगी राइट एंड देखते हैं कि अगर इतना सब कुछ अच्छा होने वाला है नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में तो ऐसे में अगर ये सब होता है तो आपको क्या करना चाहिए ओम साई राम द लवर्स जैम आई आई इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर लिब्रा इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर वेरगो इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर एरीज इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर आप में से कुछ लोगों का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है डेफ़िनेटली एंड द लवर्स इज एम्प्लाइंग कि आप में से काफ़ी लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एंड आपको क्या करना चाहिए अगर बात की जाए उस चीज़ों की तो आप लोगों को प्यार से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे की चीज़ें डिस्कस करके वेल बैलेंस करके एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और आई डोंट थिंक कि मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में एक्शन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एंड ऑलरेडी जो रिश्ते में चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स इन एडवांस अगर नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज मैंशन इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज बाकी लोगों को उससे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड आई रियली विश कि नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो ठीक है फॉर मोर क्लैरिटी एंड फॉर मोर डिटेल रीडिंग्स यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू एंड उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वो रीडिंग्स पेड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं एंड 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 प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ इट रेजनेट विद यू बाय फोर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस वीक टू एवरी वन